बात। अरे लाजो जी, अरे भाई बड़ी सज धज के बैठी हो वैजंती माला की तरह से। ओहो, अरे अरे भाई सोना है साहब, खाली सोना क्या नाम से है? लो करो बात, भौजी का हमका नकली जेवर देगी। हाँ वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझाओ लाजो जी, भाई चक्री का घुमाई तुमने? अरे गुड्डू के बापू, जब सामने वाला खजाना खोल कर बैठा रहा तो लेने वाले माँ भी अक्कल होनी चाहिए। मैं समझ गया, अरे मैं समझ गया लाजो जी, भौजी ने दिए तुम्हें सगाई में पहनने के वास्ते। देखो देखो लाजो जी, एक बात सुन लो। देखो बहती गंगा है सुसरी, हाँ अरे क्या नाम से जितनी डुबकी लगानी है लगा डालो। हाँ, पर हम ही कहत रहे कि वो प्रभु दयाल सिंह, हम ये कहत रहे वो प्रभु दयाल की छोकरी का यहाँ से जाने का बंदोबस्त कर ही दो, फिर तो कौनो फिकर की बात ना है। अरे भाई तुम फिकर न किया करो हमारे होते हुए, फिकर चिंता की क्या बात है? अरे उसे तो जाना ही है, देखो जब हम आ गए हैं तो वो तो यहाँ से जाएगी, है कि नहीं? वो कहावत नहीं सुनी तुमने, अरे एक म्यान में दो तलवार कभी टिकी है जो अब टिकेंगी है। पर एक बात बोलो गुड्डू के बापू। हाँ, बोलो बोलो। ये तलवार बहुत तेज है, जो भी करो सोच समझ कर। अरे तलवार है कोई आइटम बम थोड़ी है दूसरा, और तुम्हें हमारी काबिलियत तो सके? नहीं 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 सके हमें, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बोलो तुम सके। अरे नहीं, हमारी जान की कसम, हम पर विश्वास है हमका। तो फिर अरे उसका तो हम चुटकियों में बंदोबस्त कर देंगे, और तुम देखना लाजो जी ये सुख शांति सदन को नहीं मैंने अगर दुख अशांति सदन में बदल दिया तो मेरा भी नाम दुर्गा शंकर नहीं आ। समधन जी नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल अपनी जगह पे, मैं भी आती हूँ। हमारी भौजी को हर चीज व्यवस्थित। नमस्ते समधन जी। अरे नमस्ते नैना देवी जी, मैंने सोचा था कि आपको राजनीति से फुर्सत नहीं मिलेगी यहाँ आने की। भाई राजनीति की अपनी जगह है, घर के कामों की अपनी जगह है, समय तो निकालना पड़ता है ना। वैसे आपने इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया? चलो आपको पसंद आया, बहुत अच्छा हुआ, मेहनत सफल हो गई है कि नहीं है? मैं दुर्गा शंकर भौजी का देवर, मुझे इलाहाबाद से आपका बड़ा नाम सुना है साहब, इलाहाबाद में आप तो प्रचंड हैं। वैसे सारा इंतजाम मैंने खुद करवाया साहब, अपनी आंखों के सामने। अच्छा चाचा जी। हाँ मम्मी जी, ये सारा इंतजाम रिमझिम ने किया है। प्रतीक बेटा, हमारे बाबूजी नहीं आए? वो आ गए, हम भी आ गए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या पहना है आपने? अरे क्या पहना है, ये बंद गले का सूट है, क्यों अच्छा नहीं लगा? रिमझिम तो कह रही थी कि बहुत जच रहा हूँ इसमें। घटिया लोगों की पसंद है भाजी। अच्छा कार्यक्रम शुरू करें? हाँ हाँ भैया। भाभी रिमझिम कहाँ है? मैं देखती हूँ। Thank you.
देखो भैया, कहा है ना, मलकी ने मुझसे कुछ कहा था करने को, अब कहा कहा था ससुरा याद ही नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हैं बेशर्ते लड्डू। हटो, बोला ना तुमको, सोच लो। हटो हटो, सोच लो, तुम्हारी परेशानी का कारण मुझे मालूम है। हैं अच्छा, ये लो और ये लो एक और। अब जान लोगे कहा हमारी। देखो भैया, बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो मैं तुमको बताता हूँ कि भूलने वाली बीमारी एक दिन मेरी नौकरी जरूर लेकर रहेगी। तो सुनो मथुरा वाले महाराज जी, मालकिन तुम्हें खोज रही है, हैं बहुत गुस्से में है, हैं तुम्हें सांप को बुलाने के लिए कहा था। अरे अब धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? अरे भैया, नौकरी रहेगी तब ना धर्म रहेगा। तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे हाथों में भी जादू है। एक बात कहूं? कहिए। काशी हल्दी तुम्हारे हाथों में लगी होती। भाभी आप, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूं? जब से तुम इस घर में आई हो, ये घर रहने लायक हो गया। सच कहती हूं रिमझिम, कितना ख्याल रखती हो तुम घर में सबका, और मैंने तो तुम्हें कभी पराया माना ही नहीं। काश तुम इस घर की बहू बनती। भाभी अभी क्या कह रही हैं? अविनाश और सिमरन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं, जस्ट इन्फैटुएशन। एनीवे, मैं कौन होती हूँ ये सब कहने वाली? वो तो तुम्हें हल्दी पीसते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। And that's how I feel. अविनाश, इस तरह शगुन की अंगूठी उतारी नहीं जाती, पहन लो इसे। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अविनाश, इस अंगूठी के वही मायने हैं जो जो इस मंगलसूत्र के। पहन लो इसे। मैं इन रिवाजों को नहीं मानता भाभी। रिश्ते तो मन में बनते हैं, अंगूठियों से नहीं। देखो अविनाश, ये अंगूठी तुम्हारे और सिमरन के प्यार का प्रतीक है, और तुम्हारा इस तरह से इस अंगूठी को उतारना ये बताता है कि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। मैं कई दिनों से देख रही हूं तुम खुश नहीं हो। बताओ मुझे क्या बात है। ठीक है, तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। I won't force you. लेकिन अविनाश, मेरी एक बात याद रखना, दिल में जो भी बात हो ना, बता देनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है।
तुम्हारी और सिमरन की शादी होने जा रही है, तुम्हारी मर्जी से अविनाश। और अब इस रिश्ते से सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि इस पूरे परिवार की खुशियां जुड़ी हुई हैं। शादी के कार्ड्स तक बच चुके हैं अविनाश। यहां देखो, देखो अविनाश, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे इस परिवार को किसी भी किस्म की शर्मिंदगी महसूस हो। You promise me that. मैं क्या करूं भाभी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? कुछ नहीं, बस अपने फैसले पे भरोसा रखो। और अब चलो मेरे साथ, सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हल्दी जो लगानी? मुझे हल्दी नहीं लगानी। अविनाश प्लीज भाभी, फोर्स मत करिए। हाँ अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो ना, अपनी भाभी की बात भी नहीं। योगेश भाभी, समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाऊं सबको। हद हुई रही भौजी। अरे ऐसा अंधेर तो हमने कभी ना ही देखा। क्या हुआ लाजवंती? अरे ऐसा तो पहली बार देखे हम कि पराये अपनी मनमानी करत रहे और अपनों का अपमान। तुम्हारा अपमान किसने किया? वो इंदु दीदी, हमरा मतलब है इंदु दीदी भी हद करत रही। अरे हमरे बेटे की शादी रही और वो बाहर से आई हुई प्रभु दयाल की छोकरी उपटन की हल्दी पीसत रही। हम बोले हमका मर गए, हम भी तो रिश्तेदार है, तो कहे नहीं हल्दी तो रिमझिम ही पीसेगी। उस लड़की को सर पे चढ़ा के रखा है अविनाश के पिताजी ने। जिस दिन वो उनकी नजर से गिर जाएगी ना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे आप हुक्म करो भौजी, ऐसा जुगत भिड़ा दूंगी कि उसकी नौटंकी की धरी रह जाएगी सारी। ना, मैं इंतजार कर रही हूँ अविनाश की शादी बिना विघ्न बाधा की हो जाए, सिमरन इस घर की बहू बन के आ जाए, बस। हाँ ये बात ठीक रही भौजी, हम भी इस वक्त कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहत, पर भौजी वो हल्दी। तू चिंता मत कर लाजवंती, अविनाश के शरीर पे तेरी हाथ की पिसी हल्दी ही लगेगी, समझी? हाय भौजी आप भी। अरे चाचा जी वहां क्यों खड़े, अंदर आइए। भैया हम तुमसे माफी मांगने आए, बेटा हमें माफ कर दो भैया। किस बात की माफी? अरे बेटा राकेश हमारी आंख पर पत्थर पड़ गए थे, हमारी बुद्धि सुसरी के नाम से घास चढ़ने चली गई थी। बताओ अपने देवता सरीखे बढ़ के भैया पर मुकद मारे, राम राम सोच के भी डर लगे भैया, बहुत बड़ा पाप हो गया बेटा। तो केस वाली बात तो कब की खत्म हो चुकी है चाचा जी, उस बात के लिए क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं आप? अरे बेटा शर्मिंदा तो होना ही पड़े, देखो भैया हम तो जब से यहाँ आए हैं हमारी आत्मा पे बहुत बड़ा बोझ है भाई। अब देखो भौजी का क्या है, भौजी तो एकदम देवी सरीखी है, पट से कह दिया देवर जी यहीं रह जाओ, पर कैसे रह जाएं भैया हैं, कैसे रह जाएं, बड़ा फील हो रहा है दूसरे के घर में मुफ्त की रोटी सुसरी कब तक तोड़ी जाए क्या नाम से। आप ये बताइए कि कहना क्या चाहते हैं? देखो भैया हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी तो काशी विश्वनाथ की कृपा से बहुत बड़ी है, वो मैं कोई छोटा मोटा काम अपने चाचा के लिए। अरे बेटा हम तो तुम्हारी कंपनी में पियून भी बन जाएंगे भैया। पियून बनने की कोई जरूरत नहीं है चाचा जी, फिलहाल तो अविनाश की शादी है, बस वो एक बार हो जाए फिर आपके लिए कोई काम ढूंढता हूँ। अरे भैया निहाल कर दिया तुमने, भगवान तुम्हें बनाए रखे, तुमने अपने चाचा को बचा लिया, तुम्हारे आंगन में चार चार बच्चे खेले भैया। मैं चलता हूँ। अरे भैया राकेश एक बार तुम अपने चाचा को अपने ऑफिस में जगह दे दो, फिर तो तुम्हारा चाचा तुम्हारी सारी प्रॉब्लम की सेटलमेंट कर देगा। अरे
क्या हाल है दूल्हे राजा के? ठीक है। नीचे चलिए, आज तो हम जम के हल्दी लगाएंगे। मुझे हल्दी नहीं लगवानी है। क्यों? अरे हाँ, आप तो मॉडर्न जमाने के हैं। आज हल्दी लगा लीजिए, कल फेस पैक लगा देंगे। तुम लाइफ में कभी सीरियस नहीं होगी रिमझिम? होंगी। अविनाश नीचे चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है? मुझे हल्दी वल्दी नहीं लगवानी है रिमझिम। अविनाश, ये रस्म होती है, इसे निभाना पड़ता है। हाँ तो बाकी सारी की सारी रस्में पूरी कर रहा हूँ ना मैं, उतना काफी नहीं है क्या? प्लीज, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अविनाश, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नखरे क्यों कर रहे हैं? चलिए नीचे। अरे क्या जबरदस्ती है ये? अविनाश, हमारा इतना भी हक नहीं बनता, हमारी बात की इतनी भी वैल्यू नहीं है। एक्चुअली गलती हमारी है, हम अपनी सीमा लांग रहे थे। हमारा कोई हक नहीं है आप पर इस तरह अधिकार जमाने का, और जहां हमारी इतनी छोटी सी बात ना मानी जाए, हम वहां नहीं रहना चाहते। हम जा रहे हैं। रिमझिम मेरी बात सुनो, रिमझिम प्लीज। अब तो मैं कैसे बताऊं कि मुझ पे क्या बीत रही है? कैसे कहूं तुमसे कि मेरे दिल की हर धड़कन में तुम हो, और मैं सिमरन से शादी कैसे कर लूं? प्यार तो मैं तुमसे करता हूं रिमझिम,